सो हेलो एंड वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम लोग घूमने वाले हैं अंबेडकर पार्क में। यहाँ पे गोमती नगर साइड में पड़ता है अंबेडकर पार्क। तो आज हम घूमेंगे अंबेडकर पार्क, देखेंगे कैसा है। मैं भी कभी गया नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ और पहली बार देखूँगा मैं कि कितने रुपये की टिकट यहाँ पर होने वाली है, और पूरा घूम के देखेंगे यहाँ पर अंबेडकर पार्क। तो बने रहिए, सबसे पहले खरीदते हैं टिकट। तो पहले टिकट खरीद लेते हैं। सो टिकट यहाँ पे ख़रीद लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टिकट कितने का मिला है। तो ये देखिए टिकट 15 रुपये का यहाँ पे मिला है, मतलब हर जगह कहीं भी पार्क में चले जाओ तो 15 रुपये का टिकट यहाँ पे मिलता है हर जगह मेरे हिसाब से। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाने के लिए मैं गेट दिखाऊँ, तो ये रहा गेट, कुछ ऐसा दिखता है। और वैसे पार्क बहुत बड़ा है, मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा, तो जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा पार्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क है और घूमने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन देखना पूरी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो, बहुत बहुत सारी मोटिवेशन मिलते हैं यहाँ पर और भी नए नए ब्लॉग डालने के। तो चलिए चलते हैं। और रे चलिए, तो सबसे पहले चलेंगे यहाँ पर, ये मुझे बड़े लगा है, यहाँ से चलेंगे। इसका जो रास्ता है वो इस साइड से है। और ये आप देखो कितना बड़ा पार्क है, वहाँ तक जहाँ भी नज़र आपकी जा रही है वहाँ से लेकर वहाँ तक। हर जगह यहाँ पे बहुत दूर दूर बहुत बड़ा फैला हुआ है यहाँ पे पूरा। अगर घूमने की अगर मैं बात करूँ तो 2 या 2.5 या 3 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे, और अगर आप किसी के साथ में आते हो तो और ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। मैं अकेले आया हूँ तो मुझे कम टाइम लगेगा क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं मौज मस्ती करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। सो ये रहा रास्ता उस साइड जाने का, इधर जाने का कुछ पता नहीं है क्या है वो क्या नहीं है, खैर यहीं से आप लोग देख लो। तो इधर तो जाएंगे नहीं, चलेंगे इधर इस साइड में और देखेंगे क्या है। चलते हैं आगे की तरफ, फ़ोटो क्लिक कर ली है और चलते हैं आगे। धूप बहुत तेज है, तो धूप यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे लखनऊ में। सो थोड़ा छाया में चलते हैं, फिर से धूप आने वाली है। देखिए आ गया है सीढ़ियाँ, चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर से नज़ारा दिखाएंगे, ऊपर से नज़ारा कैसा, ये नज़ारा कितना सही है देखिए ज़रा दोस्तों। हे वाला क्या व्यू है यार, एक फोटो हो जाए इसका, फोटो हो गई है इसकी और आप लोग व्यू देखें। ये इस साइड से भी जा सकते हैं और इस साइड से भी, यहाँ से मैं नीचे का व्यू दिखाऊँ आप लोग को। तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर और क्या देखने को मिलता है। पहाड़ों जैसी चढ़ाई है, भूल भुलैया जैसा।
भूल भुलैया कैसा फील हो रहा है बिल्कुल। इसके ऊपर भी जाना है अभी और ऊपर जा सकते हैं। तो आ गए हम टॉप पर। यहाँ से व्यू दिखाऊं मैं आपको, ऐसा नजारा देखने को मिलता है। चलते हैं उस साइड की तरफ, देखते हैं उस साइड में क्या है। लोगों ने अपने प्यार की निशानियों को बिल्कुल वो जो सामने आपको दिख रहा है वो शायद लोहिया पथ बोलते हैं उसे शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक, और सिर्फ उसके पास में जो और आगे देख रहे हैं आप लोग और आगे उसके जो पेड़ पौधे लगे हैं उसके और आगे मेरे ख्याल में वो है मरीन ड्राइव। तो ये रहा नज़ारा ऊपर से, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा ना? अच्छा लग रहा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। तो ऐसा कुछ नज़ारा ऊपर से देखने को मिलना है, मज़ा बनता है। मुझे लगता है मैंने ऊपर से ही सारा नज़ारा आप लोग को दिखा दिया है, नीचे से आज दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग वीडियो लंबी ज़्यादा देखते नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं। सो वीडियो अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है, नहीं भी अच्छी लग रही है फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियो व्लॉग बनाने की, ठीक है ना। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए नीचे चलते हैं और नीचे चल के देखते हैं और क्या देखने को मिलता है हमें, ठीक है चलो चलते हैं। सो नीचे जा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ नीचे जाके सब चलेंगे उधर हाथी, जिधर हाथियाँ बनी हुई हैं उधर चलेंगे, ठीक है। सो नीचे आ गए हैं, अब चलते हैं उधर की तरफ जिधर हाथियाँ बनी हुई हैं, देखते हैं वहाँ जाके वो दिख रहा है आप लोगों को सामने। सो इधर से जाएंगे ऐसे ऐसे करके जा सकते हैं, तो ये गेट है यहाँ से निकल जाएंगे। ये भी बना हुआ है डॉक्टर भीमराव सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिषद स्थल, पार्क में घूमने का मज़ा तो ठंड में आता है, अभी गर्मी हो रही है इतनी तेज़ धूप पड़ रही है तो ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, पार्क में घूमने का असली मज़ा तो ठंड में ही है। आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलते हैं सीधे, सीधे चलने के बाद फिर ऐसे वहाँ से घूमते घूमते ऐसे करके बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा कुछ करेंगे और ऐसे टाइम भी बचेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और सो वीडियो कैसी लग रही है आप लोग को? थोड़ी बहुत तो अच्छी लगी रही होगी यार, तो लाइक कर दो फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे लखनऊ के और भी दूसरी जगह के व्लॉग यहाँ पे आने वाले हैं, देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोग को। और पुराने व्लॉग मेरे देखिए जाके, पुराने व्लॉग मैंने लखनऊ के लिए बनाए हैं, जैसे कि ज़ू में ज़ू के 4 पार्ट मैंने बनाए हैं वो जाके देखिए, हजरतगंज का बनाया हुआ है, प्रिंस मार्केट का बनाया हुआ है, और भी मेरे काफ़ी जो व्लॉग हैं पुराने, आप लोग को जो भी अच्छा लग रहा है वो जाके देखिए। और अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए शेयर करिए फटाफट से। तो चलिए चलते हैं आगे, और मैं तो बड़ा थक गया हूँ यार घूम के,
तो हम लोग यहाँ पे आ गए हाथी पर। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जहाँ लगी हुई है यही हाथी की स्टैचू, बहुत बड़ी बड़ी है। ऐसे तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब आप यहाँ सच में आके देखोगे तो पता चलेगा कि हाथी के कितने बड़े बड़े स्टैचू यहाँ पे लगे हुए हैं। तो पार्क वगैरह में, तो दोस्तों पार्क वगैरह में यही चीज़ें होती हैं देखने के लिए, बैठने के लिए होती हैं, घूमने के लिए होती हैं, और बस यही सारी चीज़ें होती हैं। सो मुझे लगता है कि वीडियो व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे देखने के लिए। जो भी है मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं। और मेरे पुराने व्लॉग को जाकर देखो, अगर अच्छे लगेंगे तो उसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं। और देख रहे हो धूप में मैं आपको यहाँ पे पार्क दिखा रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ। सो आज के व्लॉग में इतना ही। सो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।